सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई आप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह है NH 34 जो कि गाजियाबाद के लाल कुआं से स्टार्ट होता है और ये अलीगढ़ तक जाएगा दोस्तों, और ये 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, 4 लेन की तो ये पुलिया पहले से ही बनी थी, अब 6 लेन में ये किया जा रहा है, तो इसलिए इस पुलिया को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से इस पुलिया को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। इसमें पहले पुलिया बनाई है, देखो ये बन गई है बाल, अब इसकी बाल बनाई जा रही है दोस्तों, और फिर ये सामने चमक रहा है ना ये पुलिया, ये जो ऊपर ये हट जाएगी दोस्तों और आगे पहुंच जाएगी दोस्तों। तो देख सकते हो इस तरीके से ये लेन को ऐड किया गया है, 1 लेन को ऐड किया गया है ये देखो। और साइडों से आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इसमें और इसके साइड से दोस्तों मेटल क्रैश बैरियर भी लगाए जाने हैं। तो आप लोग देख सकते हो पहले ये 1 लेन इसमें और ऐड की जाएगी, उसके बाद में दोस्तों मेटल क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे दोस्तों, जो कि गाजियाबाद के लाल कुआं से स्टार्ट होता है और ये अलीगढ़ तक ये 6 लेन रहने वाला है। उसके बाद में अलीगढ़ से और कानपुर तक दोस्तों ये 4 लेन ही रहने वाला है। तो सारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जहाँ जहाँ आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था दोस्तों, इस पर अभी लैंड मार्किंग का काम किया जा रहा है पूरे रूट में, जो कि मैंने आप लोगों को 2 वीडियो पहले ही डाल के दिखा दिया दोस्तों। पहला तो गाजियाबाद के लाल कुआं से स्टार्ट किया था, वो दादरी तक दिखाया था आप लोगों को, और जब मैंने दादरी से स्टार्ट किया था वो आप लोगों को बुलंदशहर तक दिखाया था दोस्तों। आज इस वीडियो में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा बुलंदशहर से लेकर और खुड़जा, फिर उसके बाद में अलीगढ़ तक का इसका व्यू दिखाएंगे आप लोगों को, क्या कितना कुछ काम इस पर कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या काम किया जाना बाकी बचा हुआ है अभी। तो देख सकते हो यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट भी लगाई जानी है बीच में दोस्तों, और इसके साइडों से दोस्तों जो आप लोगों को मैंने बताया था मेटल क्रैश बैरियर भी लगाए जाने हैं, तो यही काम बचा हुआ है। बीच बीच में दोस्तों लैंड मार्किंग जहाँ रह गई है वहाँ लैंड मार्किंग का काम किया जाएगा और स्ट्रीट का काम भी किया जाएगा, जो स्ट्रीट लाइन है, स्ट्रीट के खंभे हैं स्ट्रीट लाइट के, वो भी लगाए जाने हैं। तो चलते और आगे बढ़ते और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। देखो साइडों से किस तरीके से यहाँ पर यह रेलिंग लगाई गई है दोस्तों, क्रैश बैरियर की जगह रेलिंग लगाई गई है, उसके बाद में जहाँ जहाँ ये फ्लाईओवर्स आ रहे हैं फिर उसके बाद में ये रेलिंग लगाई गई है देखो आप लोग। तो इसी तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया दोस्तों, और जो कंपनी है वो सिंगापुर की कंपनी काम करवा रही है, किसको? LNT को ठेका मिला हुआ है, तो LNT ने ही दोस्तों गाजियाबाद के लाल कुआं से अलीगढ़ के बीच में पूरी रूट को ही दोस्तों ये 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट किया है दोस्तों, और इसका जो पुराना ब्लैक टॉप था उसको ही रिकंस्ट्रक्ट करके दोस्तों तो फिर इसी रोड में लगा दिया गया है। तो आधा नया है आधा पुराना है दोस्तों। तो चलते हैं और आगे आप लोगों को दिखाते हैं चलकर।
यहाँ दोस्तों देखो गुहाना निकल के और ये दोनों साइड की पुलिया बनाने का काम किया जा रहा है। उधर भी पुलिया बनाई जा रही है, इधर भी। ये बम्बा है दोस्तों, ये बम्बे पे ही पुलिया बनाई जा रही है। नहीं बाकी तो देखो ये साइडों में ये देखो क्रैश बैरियर लगा दिए। देखो वो वहाँ तक ये सारे में क्रैश बैरियर लगा दिए, उधर भी लगा दिए हैं, इधर भी लग चुके हैं। देखो यहाँ पुलिया बनाई जा रही है, रोड को चौड़ा किया जा रहा है। तो यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा 3 लेन का। ये देखो कितना लंबा चौड़ा पैच है दोस्तों। और यहाँ पर ये गार्ड यहाँ नौकरी करता है, ठीक है। तो ये बम्बा है, ये पुलिया को चौड़ा किया जा रहा है, फिर 3 लेन एक्सप्रेस वे ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये देखो दोनों साइड में ये बनाया जा रहा है। देखो ये मेटल क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं साइडों से। देखो यहाँ पर भी लग गया है, इधर भी और उधर भी लगाए गए हैं। देखो मेटल क्रैश बैरियर वो लगाए जा रहे हैं। बाकी तो पूरा रोड बन के कम्प्लीट ही हो गया है, बस ये पुलिया रह गई है। यहाँ पर ये नीचे से बम्बा जा रहा है तो इसको ही चौड़ा किया जा रहा है, और चौड़ा कर देने के बाद में ये काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। बाकी तो लैंड मार्किंग भी हो गई है और बस ये स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है, अभी बिजली के खंभे लगने बाकी रह गए हैं। बाकी तो बस काम कंप्लीट है, चलते हैं दिखाते हैं चल के आगे का सफ़र। आप तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों मैंने आप सभी को बुलंदशहर से लेकर और अलीगढ़ तक का व्यू इस वीडियो में दिखाया है दोस्तों। पहले इसका नाम हुआ करता था NH91, अब इसका न्यू नेम हो गया है दोस्तों NH34, जो कि गाजियाबाद के लाल कुआं से लेकर और अलीगढ़ तक ये 6 लेन हाईवे हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।